लोहजर ग्राम में अमृत सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण की शुरुआत बृहस्पतिवार को भूमि पूजन के साथ फीता काटकर यम दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीडीसी विनोद दुहान ग्राम पंचायत सकरदास नवादा के वर्तमान मुखिया संघ सचिव मुन्ना सिंह कार्यक्रम पदाधिकारी नंदन कुमार आस्तिक कन्या अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह पंचायत तकनीकी सहायक दिग्विजय कुमार पंचायत रोजगार सेवक आलोक कुमार वजीरगंज प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव वजीरगंज क्षेत्र संख्या 14 के जिला परिषद सदस्य छोटू दास वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य चंचल देवी के देखरेख में विधि विधान से पूजन अर्चना कर कराया गया। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने कार्य शुरू किया। डीडीसी विनोद दुहान ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब जो 1.7 एकड़ जिसकी लागत लगभग 25,56,464 रुपया की योजना का आधारशिला रखा गया, वही ग्राम पंचायत सकरदास नवादा के मुखिया संघ सचिव एवं किसानों के प्रति इच्छुक मुन्ना सिंह ने बताया कि इस तालाब के निर्माण हो जाने से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए सालों भर सुविधा मिलती रहेगी। साथ ही मानसून आने के पहले इस तालाब का निर्माण के लिए जोर दिया गया है। साथ ही साथ तालाब का जीर्णोद्वार हो जाने से किसानों में भी काफी खुशी देखने को मिली। काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद है। तो अपने क्षेत्र के स्थिति को देखते हुए यहाँ बहुत सारे लोग अपना निजी बोरिंग भी करके सिंचाई का व्यवस्था कर रह रहे थे, लेकिन उसमें हर जगह का बोरिंग भी फेल हो जा रहा। तो हमने सरकार या व्यवस्था से मांगे थे कि अगर कोई इसके विकल्प में दूसरा बढ़िया व्यवस्था हो तो उसे हमें दिया जाए। इसमें हमारे व्यवस्था की तरफ से मदद इतना मिला कि पूरे प्रखंड में 6 अमृत सरोवर का निर्माण हेतु अनुशंसा जिला से किया गया है, उसमें 2 हमारे पंचायत में। इसलिए इन व्यवस्था को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज दिनांक 2/6/2022 से हम अपने अमृत सरोवर के लिए इस पंचायत में शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास और कोशिश रहेगा कि इस मानसून सत्र के पहले एक पहला सरोवर का निर्माण हम कर दें, यही मेरा प्रयास है। आदर्श पंचायत में आता है, आदर्श पंचायत में आता है, उसके बाद भी अभी तक पानी का सुविधा नहीं था पहले से, आखिर क्या कारण हो सकता है सर? इसके पहले का कारण तो अब व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। इसके पहले तो हम व्यवस्था से जुटे थे ही नहीं, हम खुद अपने आप को इसका अभाव में थे। आज हम व्यवस्था से जुट करके और अपने अधिकार के अनुसार जो भी व्यवस्था में तय है हम लोगों तक लाने का काम में लगे हुए। किसानों के प्रति आपका जागरूक बहुत ज़्यादा है, बहुत शुरुआती से परिचय देंगे। मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ, सकरदास नवादा पंचायत के अभी वर्तमान मुखिया हूँ। आज यहाँ लोहजरा गांव में हमने अमृत सरोवर का शुभारंभ किया है। यहाँ पे जो गांव के सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ शुभारंभ किया गया है। ये जो अमृत सरोवर बनेगा इस गांव में, ये लगभग 1.7 एकड़ का इसका रकबा होगा और लगभग 100 से 150 एकड़ आसपास की जो भूमि है उसके सिंचाई के लिए, ये जब ये अमृत पोखर तैयार हो जाएगा तो उसकी सिंचाई के लिए पानी यूज़ किया जाएगा। क्या लाभ मिलेगा सर, कितने गांवों को लाभ मिल पाएगा? अभी फिलहाल आसपास के गांवों को भी लाभ मिलेगा। जो फिलहाल जो यहाँ पे जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा बताया गया है आसपास के लगभग 100 से 150 जो हेक्टेयर की भूमि को उसका सिंचाई का पटवन का लाभ मिलेगा। पानी कहाँ से छोड़ा जाएगा और कितना सालों भर तक यूज किया जा सकता है? जी जो मानसून से जो पानी जो रेन वाटर है उसका स्टोरेज किया जाएगा। जो वाटर शेड के रूप में हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो जो पानी है वो यहाँ के स्टोर होगा, प्रॉपर इसकी एक इनलेट होगी, प्रॉपर आउटलेट होगी जो कि सिंचाई के लिए यूज़ की जाएगी। सर पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, क्या लगता है कि ऐसा पानी सुविधा हो पाएगा सही से?
जी मौसम तो नहीं हो, है ना। कितने दिनों में तैयार हो पाएगी बनकर के लोगों जी? हमारी कोशिश रहेगी कि मॉनसून से पूर्व इसको, इसकी जो खुदाई का कार्य है वो पूरा करा दे, ताकि जो पानी है हमारा स्टोर हो सके। जैसे भी प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर गांव को बनाने की सपना है, वो इंसिडेंट इस सरोवर का नाम भी आत्मनिर्भर, ये अमृत सरोवर रखा गया है, क्या संदेश देना? संदेश तो यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, और इसी संबंध में अमृत काल जो उन्होंने एक दिया है, अमृत काल की आज़ादी के 75 साल के बाद हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तो इस संदर्भ में बिहार सरकार के जो भी जल जीवन हरियाली की जो योजनाएं, तो हम बिहार सरकार शुरू से ही इसमें सजग रूप से कार्य कर रही है, और गया जिला भी जल जीवन हरियाली में और जो वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। तो इस संबंध में ये जो अमृत सरोवर का जो स्कीम है, ये अमृत सरोवर का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस जल जीवन हरियाली को का ही एक एक्सटेंशन माना जाए।